ऋषि थापर डॉग ट्रेनर डॉग बेवियस वालों सारी पैट लवर फैमिली नूं मेरा प्यार भरिया सत श्री अकाल है। तो दोस्तों अज आपां गल करनी हैगी है जिहड़ी सारिआं नालों दिक्कत देण वाली प्रॉब्लम हैगी आ, घरां दे विच अक्सर लड़ाइयां दा कारण बनदा है। हाउ टू पॉटी ट्रेन योर डॉग, किद्दां आपां अपने पपी नूं पॉटी ट्रेनिंग आपां कर सकते हैं, किद्दां उहनूं आपां घर तों बाहर पॉटी सिखा सकते हैं करनी, तो एक वड्डे डॉग नूं भी जिहड़ा अडल्ट हो चुके आ उसनूं भी आपां किद्दां आपां पॉटी बाहर करा सकते हैं, किद्दां सिखा सकते हैं, उहनूं पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो दोस्तों पहले आपां पपी की गल करते हैं, जब आपां पपी लैके आने हैं ना अक्सर वह घर के बारंबार थोड़ी थोड़ी देर बाद खाता रहा पॉटी करता रहा खाता रहा पॉटी करता रहा है। सो दोस्तों ये कोई वड्डी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर मेरे को अपनी ये समस्या लैके आते हैं, दसते हैं मैनू कि ये भाजी ये प्रॉब्लम हैगी सानू ये बारे दसो कुछ। सो दोस्तों जब भी असं खाना दिने पपी को हूँ ध्यान ना सुनियो, ये वीडियो थोड़े लिए बहुत फायदेमंद है लाहेवंद है। तुसी जब भी पपी लैके आने उन्हें खाना दिने, खाना देने तो बाद अद्धा घंटा वेट करना है, कापी पेन चक के उसके ऊपर लिखना है कि कितनी देर बाद साडा डॉग शिट कर रहा है या खान तो कितनी देर बाद पॉटी सुसू कर रहा है। ठीक है जी, एक तीन दो तीन दिन लगने है, टाइम नोट हो जूगा कि भी 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद खान तो नाल ही पॉटी कर देता है। टाइम लिख लो, सवेर का मील, दोपहर का मील, शाम के मील, सारे से लिख लो। तीन दिन दो तीन दिन के टाइम निकले होगा कि भाई अद्धे घंटे बाद करता 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, उस टाइम पर खाना देने तो बाद जिते कराना चाहते हो उत्थे अपने पपी को छड़ दो, उत्थे वह पॉटी कर दूंगा। ठीक है जी, जब भी तुसी पॉटी करन लगता है या सुसू करन लगता है दो तरह के साउंड लगा सकते हैं, जिदा असी ह्यूमन बीइंग जब छोटे होंदे सी साडे मदर फादर नहीं करते सुसू करते आवाज़ करते, ठीक है करते सी ना जी, इदा ही डॉग का भी माइंड सैटअप हो जाता है, दिमाग सैट हो जाता है। जब भी वह पॉटी सुसू करन लगता है तुसी कह सकते हो उसनू ए वर्ड, गुड बॉय गुड गर्ल गो पॉटी गो पॉटी गो पॉटी गुड गर्ल गुड बॉय, ये लगा सकते हो वर्ड, इस दे नाल वो पॉटी भी कर दूगा, पॉटी करन दे नाल उहदे ये वर्ड सुनते भी रहणगे, उन्हूं ये लगेगा ये वर्ड मेरे लिए यूज किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से 15-20 दिन बाद अगर वो अगर वह मन भी नहीं ना कर रहा पॉटी करन नूं या उहदा जोर भी नहीं पिया उसनूं, जे तुसीं कहो गुड बॉय गो पॉटी वो पोजिशन लैन लग जूगा अपनी पॉटी की, पॉटी करन दे लई। ठीक है जी, तो दोस्तों ये बड़ा ईजी तरीका है, ईजी फंडा है, तुहानूं किसी ने नहीं दसना हैगा या, क्योंकि ना ये चीज़ दसी होनी हुई किसी ने, तुसीं यूट्यूब पर भी सर्च मारियो अलग अलग तरीके दसे हुए, स्प्रे है कर दो जी उत्थे उहदी पॉटी वाली चीज़ पॉटी उत्थे थ्रो कर दो जी, इदा वट एवर काफ़ी चीज़ा इदा दी है थोनू, बट ये जिहड़ा फंडा है थोनू किसी ने ट्रेन करना, गुड बॉय गो पॉटी गो सुसू गुड बॉय गुड गर्ल गो पॉटी गो सुसू, उन्हें प्यार ना सिखाओ। मेरे ख्याल जोर मार के 4-5 दिनों के 7 दिनों के दिमाग के शब्द यूज हो सैट हो जाएंगे जो यूज़ कर रहे हो, बस उन्हें करना स्टार्ट कर देना, घर के बवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, हुण आपां गल करते हैं जिहड़ा वड्डा डॉग है अडल्ट हो चुके हैं, लोग कहिंदे जी वड्डा डॉग तो सिखता ही नहीं जी है, पूरा दिन असीं घुमा लिआने जी अद्धा अद्धा घंटा 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 बाहर घुमा लिआने जी, खाने तो बाद आके घर पॉटी सुसू करनी है, असीं तंग आ चुके हैं, असीं पंगे च पै गए हैं, पता नहीं किद्दां दा कुत्ता हैगा किद्दां दा डॉग हैगा घर आके प्रॉब्लम करता है, फिर सानूं चक्कणी बड़ी मुश्किल है, जगह जगह थां थां ते पॉटी सुसू करदा। सो इस डॉग का कोई कसूर नहीं हैगा, खाना दवो जिथे डॉग नूं कंफर्टेबल लग्या उन्हें उत्थे पॉटी सुसू करती, उन्हें लगता है कि मैं कंफर्टेबल है घर के, इस करके वह घरे करता है। सो दोस्तों जे तुसी उसनू चाहते हो कि वह बाहर करना स्टार्ट करे, बड़ा ईजी फंडा है, खाना खिलाया बड़े डॉग नूं 3-4 दिन नोट करो उहदा भी टाइमिंग कि किन्ने टाइम बाद वह पॉटी सुसू करता है, उस टाइम उन्हें बाहर लैके जावो। अक्सर जेडे डॉग नूं आदत पै जांदी है ना घर पॉटी सुसू करन दी, वह बाहर जल्दी करदा नहीं, उन्हें धक्के नाल कराना पैंदा, धक्का की करना, साने खाना खिलाया पेट पूरा भरिया होया जोर पिया होया पर वो फिर भी रोक के ना घर ही करूंगा, उन्होंने बाहर जब तुम लैके जाने उन्होंने घुमावो ना, उसे थोड़ा जॉगिंग दे लो, घोड़ा चाल जी कहते ठक 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 भजा लिया दूर तक घुमा लिया, उन्हें अद्धे रस्ते के प्रेशर पै जाना, उन्हें उसी थां ही कर देनी है अद्धे रस्ते च ही कर देनी। ठीक है जी, मैं नहीं कहता कि उन्होंने स्पीड में भजाना है, ठीक है खाने तो बाद उन जस्ट जॉगिंग कराओ, जॉगिंग कराने के नाल जे साने भी साडा भी ढिड भरिया हो सू प्रैशर पिया हो तो सानू कोई कहे थोड़ी जॉगिंग करते प्रैशर सानू भी पै जाता है, किसी को भी है किसी के भी लागू हो सकती है चीज़। ठीक है जी, सो घबराने वाली कोई वो नहीं है गल है, तुम अपने बड़े डॉग को अडल्ट डॉग को खिलाता वो कहते घुमाना नहीं है या घुमा कंफर्टेबल फील है, थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दो उसमें, जब उन्होंने भजावोंगे थोड़ा दूर तक लैके जाओगे घोड़ा चाल भजावोंगे ना दी ना उन्हें कहना भाजी 2 मिनट रुकियो मैंने जोर पै गया। ठीक है जी, उन्हें पॉटी सुसू कर देना।
ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਹਾਓ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਾਓ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡੋਗ ਦੀ ਪੋਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਸ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਹੋ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਥੀਕਲ ਹੈ ਜੈਨੂਅਲ ਹੈ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਟਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਡੋਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗ ਪੋਟੀ ਸੁਸੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 9867643761 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9876143761 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਯੂਟਿਊਬ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਥਾਪਰ ਡੋਗ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਨੀਅਰ ਦੁੱਖਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਔਰ 21 ਨੰਬਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਗੱਬੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਲਹਿਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਥਾਪਰ ਪੈਟ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਰਡਸ ਕੈਟ ਔਰ ਡੋਗਸ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਕੰਮ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਹੋ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ